बिसेन, बिसेन राजपूतों का इतिहास। बिसेन राजपूत सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। इनका गोत्र पारासर है। इनके पांच प्रवर हैं, पारासर, भारद्वाज, शांडिल्य, अत्रि और वत्स। इनका वेद सामवेद है। इनकी शाखा कौथुमी सूत्र, गोभिल, ग्रहासूत्र, कुलदेवी दुर्गा है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के दो पुत्र थे, बड़ा अंगद और छोटा चंद्रकेतु। छोटे पुत्र चंद्रकेतु की राजधानी चंद्रकांता थी। चंद्रकेतु को मल की उपाधि मिली हुई थी। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण, वायु पुराण, विष्णु पुराण तथा बौद्ध साहित्य में मिलता है। इन्होंने शत्रु के आतंक से अपना प्रदेश छोड़कर दक्षिण में जाकर विल्सन नामक राज्य कायम किया था। यह मौर्य साम्राज्य के समय उनके अधीन थे। इस वंश में एक मयूर वर्मन हुआ था। उसने कांची के पल्लवों को हराकर वहां अपना राज्य स्थापित किया था। यहां इन्होंने सैकड़ों वर्षों तक राज्य किया था। दक्षिण भारत के इतिहास में कदंब वंश का वर्णन है तथा शिलालेखों के अनुसार इनका उत्तर भारत से आने का उल्लेख है। इनके प्रथम व्यक्ति का नाम मयूर वर्मन था, जिसका कांची के पल्लवों से भी युद्ध हुआ था। इनकी विजय की पताका त्रिपर्वत तक फहराई थी। इस वर्णन को देखने से ऐसा विदित होता है कि बिसेन वंश का पूर्व नाम कदंब वंश था। बिसेन वंशी राजा मयूर वर्मन का राज्य काफी बड़ा था। इन्होंने पल्लवों को परास्त करके अपने राज्य को कर्नाटक में फैलाया। इस वर्णन पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण विजय के समय मयूर वर्मन को एक सामंत की तरह साथ लेकर विजय यात्रा की थी और वहां जीते हुए स्थान पर एक राज्य देकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। बिसेन वंश के राजा मयूर वर्मन के पुत्र कंग वर्मन था, जिसका दूसरा नाम स्कंद वर्मन मिलता है। विद्वानों ने इसका समय 370 से 395 ईस्वी तक माना है। स्कंद वर्मन का पुत्र भागीरथ वर्मन फिर से शक्तिशाली हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास के माध्यम से भागीरथ वर्मन के पास अपनी पुत्री के संबंध का प्रस्ताव भेजा था। भागीरथ वर्मन के दो पुत्र थे, बड़ा रघुवर्मन और छोटा कुकुस्त वर्मन। कुकुस्त वर्मन का काल 430 ईस्वी से 450 ईस्वी माना जाता है। इसके संबंध में प्राप्त वर्णन के अनुसार इनका राज्य बड़ा समृद्धशाली था। राज्य की जनता बड़ी सुखी थी। चोर डाकुओं का बिल्कुल डर नहीं था। इसके प्रजाजन जब दूसरे राज्य में जाते थे तो उन्हें बड़ा सम्मान मिलता था। कुकुस्त वर्मन के दो पुत्र थे, पहला शांति वर्मन और दूसरा कृष्ण वर्मन। इनके राज्य भी दो भागों में बंट गया था। शांति वर्मन की राजधानी बनवासी थी। इनके पुत्र मृगेश वर्मन ने पश्चिमी गंगवंश और पल्लवों को परास्त किया था। इसने जैन धर्म को बड़ा प्रोत्साहन दिया था। इनके वंश के हरिवर्मन को चालुक्य पुलकेशी प्रथम ने हराकर राज्य को छीन लिया था। कुकुस्त वर्मन के छोटे पुत्र कृष्ण वर्मन ने अपना अलग राज्य बनाकर उसकी राजधानी त्रिपर्वत बनाई थी। इसने अपने काल में अश्वमेध यज्ञ किया था, जिससे ऐसा सिद्ध होता है कि वह एक बड़ा ही शक्तिशाली शासक था। लेकिन बाद में उसे पल्लवों की शक्ति के आगे परास्त होना पड़ा था। इसके पुत्र विसंध वर्मन को शत्रुओं से काफी संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें वह मारा गया। बिसेन या बिसेन वंश में विश्वासेन था, जिसके नाम से ही बिसेन या बिसेन वंश प्रसिद्ध हुआ। विश्वासेन को ही विसंध वर्मन कहा जाता था। इनका एक पुत्र सिंह वर्मन तो दक्षिण में ही रहा और दूसरा पुत्र उत्तर भारत में वापस लौट आया। उसी के वंशज आज बिसेन या बिसेन कहलाते हैं। सिंह वर्मन के पुत्र कृष्ण वर्मन द्वितीय ने फिर अश्वमेध यज्ञ किया था, परंतु कुछ समय बाद चालुक्यों ने इस वंश को परास्त करके समाप्त कर दिया था। इस वंश की एक अन्य शाखा के जय केसरी ने वर्तमान गोवा को राजधानी बनाया था। दक्षिण के लेखों में इनका गोत्र मानव दिया हुआ है। इस वंश में रवि वर्मन भी एक प्रसिद्ध शासक हुआ था। उत्तर भारत में लौटने के बाद इस वंश के राजा भूपसेन हुए। जब खलीफाओं ने भारत पर आक्रमण किए तथा उनके इन आक्रमणों का मुकाबला करने हेतु चित्तौड़ के गहलोत शासक बाप्पा रावल और भीनमाल के शासक नागभट प्रतिहार ने भारतीय शासकों के एक सशक्त संगठन का देश में गठन
अरब आक्रमणों को रोकने के लिए किया था, तब राजा भूपसेन भी अपनी सेना लेकर उक्त संगठनात्मक मोर्चे में सम्मिलित होने बप्पर रावल के पास चित्तौड़ पहुंचे थे और उस महान संग्राम में देश रक्षा के निमित्त घोर युद्ध किया था। वर्तमान में इस वंश की रियासतें मझोली, जिला गोरखपुर, भिनगा, जिला बहराइच, मनकापुर, जिला गोंडा, काला कांकर और भादरी है। वर्तमान में बिसेन या बिसेन वंश के राजपूत इलाहाबाद, गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, प्रतापगढ़, बांदा, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, बलिया, हरदोई, मोदीहारी, छपरा, डुमरिया, रोहतास, शाहबाद है। बिसेन वंश की शाखाएं दोनवार वंश। दोनवार वंश सूर्यवंशी क्षत्रिय बिसेन की शाखा है। इनका गोत्र कश्यप, प्रवर कश्यप, अपश्यार और ने ध्रुव है। इनका वेद यजुर्वेद, शाखा वाजसनेयी, शूत्र पारस्कर ग्रह शूत्र है। वर्तमान में दोनवार क्षत्रिय गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया तथा शाहबाद जिलों में पाए जाते हैं। बमटेला वंश। बमटेला वंश सूर्यवंशी क्षत्रिय विशेन की शाखा है। इनका गोत्र शांडिल्य तथा प्रवर शांडिल्य, आश्रित और देवल है। वेद सामवेद, शाखा कौथुमी, सूत्र गोभिल ग्रह सूत्र है। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के हरदोई, फर्रुखाबाद तथा शाहबाद जिलों में निवास करते हैं। बंबार। बंबार क्षत्रिय सूर्यवंशी क्षत्रिय विशेन की शाखा है। इनका गोत्र भारद्वाज तथा प्रवर भारद्वाज, बृहस्पति और अंगिरस है। वेद यजुर्वेद, शाखा वजसनेयी, सूत्र पारस्कर ग्रह सूत्र है। यह शाहबाद और गया जिलों में पाए जाते हैं। बिसेन। बिसेन राजपूतों का इतिहास। बिसेन राजपूत सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। इनका गोत्र पारासर है। इनके पांच प्रवर हैं, पारासर, भारद्वाज, शांडिल्य, अत्रि और वत्स। इनका वेद सामवेद है। इनकी शाखा कौथुमी, सूत्र गोभिल ग्रह सूत्र, कुलदेवी दुर्गा है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के दो पुत्र थे, बड़ा अंगद और छोटा चंद्रकेतु। छोटे पुत्र चंद्रकेतु की राजधानी चंद्रकांता थी। चंद्रकेतु को मल्ल की उपाधि मिली हुई थी। इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण, वायु पुराण, विष्णु पुराण तथा बौद्ध साहित्य में मिलता है। इन्होंने शत्रु के आतंक से अपना प्रदेश छोड़कर दक्षिण में जाकर विल्सन नामक राज्य कायम किया था। यह मौर्य साम्राज्य के समय उनके अधीन थे। इस वंश में एक मयूर वर्मन हुआ था। उसने कांची के पल्लवों को हराकर वहां अपना राज्य स्थापित किया था। यहां इन्होंने सैकड़ों वर्षों तक राज्य किया था। दक्षिण भारत के इतिहास में कदंब वंश का वर्णन है तथा शिलालेखों के अनुसार इनका उत्तर भारत से आने का उल्लेख है। इनके प्रथम व्यक्ति का नाम मयूर वर्मन था, जिसका कांची के पल्लवों से भी युद्ध हुआ था। इनकी विजय की पताका त्रिपर्वत तक फहराई थी। इस वर्णन को देखने से ऐसा विदित होता है कि बिसेन वंश का पूर्व नाम कदंब वंश था। बिसेन वंशी राजा मयूर वर्मन का राज्य काफी बड़ा था। इन्होंने पल्लवों को परास्त करके अपने राज्य को कर्नाटक में फैलाया। इस वर्णन पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण विजय के समय मयूर वर्मन को एक सामंत की तरह साथ लेकर विजय यात्रा की थी और वहां जीते हुए स्थान पर एक राज्य देकर अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। बिसेन वंश के राजा मयूर वर्मन के पुत्र कंग वर्मन था, जिसका दूसरा नाम स्कंद वर्मन मिलता है। विद्वानों ने इसका समय 370 से 395 ईस्वी तक माना है। स्कंद वर्मन का पुत्र भागीरथ वर्मन फिर से शक्तिशाली हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास के माध्यम से भागीरथ वर्मन के पास अपनी पुत्री के संबंध का प्रस्ताव भेजा था। भागीरथ वर्मन के दो पुत्र थे, बड़ा रघु वर्मन और छोटा कुकुस्त वर्मन। कुकुस्त वर्मन का काल 430 ईस्वी से 450 ईस्वी माना जाता है। इसके संबंध में प्राप्त वर्णन के अनुसार इनका राज्य बड़ा समृद्धशाली था। राज्य की जनता बड़ी सुखी थी। चोर डाकुओं का बिल्कुल डर नहीं था। इसके प्रजाजन जब दूसरे राज्य में जाते थे तो उन्हें बड़ा सम्मान मिलता था।
कुकुस्त वर्मन के दो पुत्र थे, पहला शांति वर्मन और दूसरा कृष्ण वर्मन। इनके राज्य भी दो भागों में बंट गया था। शांति वर्मन की राजधानी बनवासी थी। इनके पुत्र मृगेश वर्मन ने पश्चिमी गंगवंश और पल्लवों को परास्त किया था। इसने जैन धर्म को बड़ा प्रोत्साहन दिया था। इनके वंश के हरिवर्मन को चालुक्य पुलकेशी प्रथम ने हराकर राज्य को छीन लिया था। कुकुस्त वर्मन के छोटे पुत्र कृष्ण वर्मन ने अपना अलग राज्य बनाकर उसकी राजधानी त्रिपर्वत बनाई थी। इसने अपने काल में अश्वमेध यज्ञ किया था, जिससे ऐसा सिद्ध होता है कि वह एक बड़ा ही शक्तिशाली शासक था। लेकिन बाद में उसे पल्लवों की शक्ति के आगे परास्त होना पड़ा था। इसके पुत्र विसंध वर्मन को शत्रुओं से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें वह मारा गया। विसेन या विसेन वंश में विश्वासेन था, जिसके नाम से ही विसेन या विसेन वंश प्रसिद्ध हुआ। विश्वासेन को ही विसंध वर्मन कहा जाता था। इनका एक पुत्र सिंह वर्मन तो दक्षिण में ही रहा और दूसरा पुत्र उत्तर भारत में वापस लौट आया। उसी के वंशज आज विसेन या बिसेन कहलाते हैं। सिंह वर्मन के पुत्र कृष्ण वर्मन द्वितीय ने फिर अश्वमेध यज्ञ किया था, परंतु कुछ समय बाद चालुक्यों ने इस वंश को परास्त करके समाप्त कर दिया था। इस वंश की एक अन्य शाखा के जय केसरी ने वर्तमान गोवा को राजधानी बनाया था। दक्षिण के लेखों में इनका गोत्र मानव दिया हुआ है। इस वंश में रवि वर्मन भी एक प्रसिद्ध शासक हुआ था। उत्तर भारत में लौटने के बाद इस वंश के राजा भूपसेन हुए। जब खलीफाओं ने भारत पर आक्रमण किए तथा उनके इन आक्रमणों का मुकाबला करने हेतु चित्तौड़ के गुहिलोत शासक बाप्पा रावल और भीनमाल के शासक नागभट्ट प्रतिहार ने भारतीय शासकों के एक सशक्त संगठन का देश में गठन अरब आक्रमणों को रोकने के लिए किया था, तब राजा भूपसेन भी अपनी सेना लेकर उक्त संगठनात्मक मोर्चे में सम्मिलित होने बप्पा रावल के पास चित्तौड़ पहुंचे थे और उस महान संग्राम में देश रक्षा के निमित्त घोर युद्ध किया था। वर्तमान में इस वंश की रियासतें मझोली, जिला गोरखपुर, भिनगा, जिला बहराइच, मनकापुर, जिला गोंडा, काला कांकर और भादरी है। वर्तमान में विसेन या विसेन वंश के राजपूत इलाहाबाद, गोरखपुर, गोंडा, फैजाबाद, प्रतापगढ़, बांदा, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, बलिया, हरदोई, मोदीहारी, छपरा, डुमरिया, रोहतास, शाहबाद है। विसेन वंश की शाखाएं दोनवार वंश। दोनवार वंश सूर्यवंशी क्षत्रिय विसेन की शाखा है। इनका गोत्र कश्यप, प्रवर कश्यप, अपश्यार और ने ध्रुव है। इनका वेद यजुर्वेद, शाखा वाजसनेयी, शूत्र पारस्कर ग्रह शूत्र है। वर्तमान में दोनवार क्षत्रिय गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया तथा शाहबाद जिलों में पाए जाते हैं। बमटेला वंश। बमटेला वंश सूर्यवंशी क्षत्रिय विसेन की शाखा है। इनका गोत्र शांडिल्य तथा प्रवर शांडिल्य, आश्रित और देवल है। वेद सामवेद, शाखा कौथुमी, सूत्र गोभिल ग्रह सूत्र है। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के हरदोई, फर्रुखाबाद तथा शाहबाद जिलों में निवास करते हैं। बम्बार। बम्बार क्षत्रिय सूर्यवंशी क्षत्रिय विसेन की शाखा है। इनका गोत्र भारद्वाज तथा प्रवर भारद्वाज, बृहस्पत्य और अंगिरस है। वेद यजुर्वेद, शाखा वजसनेयी, सूत्र पारस्कर ग्रह सूत्र है। यह शाहबाद और गया जिलों में पाए जाते हैं।